तो और ठीक उसके पहले अतीक अहमद के बेटे और उसके साथी को मारा गया। इसकी भविष्यवाणी की गई थी कि मारा जाएगा, टेलीविज़न चैनल पर पूछा जा रहा था कि एक दिन में मारा जाएगा, दो दिन में मारा जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी हुई एक साध्वी कह रही थी कि अतीक का बेटा तो झांकी है, अतीक अभी बाकी है। और दूसरे ही दिन अतीक मारा गया। और ख़ासकर हिंदुओं के एक बड़े हिस्से में खून की प्यास जगाई जा रही है, उनको खून की लत लगाई जा रही है। अगर एनकाउंटर हुआ है वास्तविक, तो वो एक बहुत तकलीफदेह चीज़ है, है ना। उसकी खुशी मनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिस तरह से खुशी मनाई जा रही है उससे ही मालूम है कि यह घटना वह नहीं है जो बतलाई जा रही है। उस खुशी से जाहिर है कि यह घटना कुछ और है। लफंगों को और कातिलों को इस बात का एक भरोसा है कि जय श्री राम उनका कवच बन सकता है। ये पिछले 8 वर्षों में हुआ है कि जय श्री राम एक कवच बन सकता है। अगर एनकाउंटर हो रहा है इसका मतलब पुलिस बिल्कुल नाकाम है, वो ना तो साक्ष्य इकट्ठा कर सकती है, ना अदालत में मुकदमा चलवा सकती है, इसलिए वो मौके पर ही निपटारा कर रही है। हमारे साथ प्रोफेसर अपूर्वा रंजी हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से प्रशासन की मौजूदगी में अतीक अहमद और उसके भाई को मार दिया जाता है, किस तरह से देखते हैं इस पूरे हत्याकांड? मैंने इससे पूरे मुल्क को चिंतित होना चाहिए। यह स्तब्ध कर देने वाली घटना है और इसका मतलब है कि प्रशासन और राज्य ने अब यह तय कर लिया है कि उसे किसी की भी परवाह नहीं है। ये इस बात से और जाहिर होता है कि पुलिस इन तीनों कातिलों का रिमांड भी नहीं मांगती है और उनको जुडिशल रिमांड में भेज दिया जाता है। इससे भी बहुत सारे सवाल उठते हैं। तो और ठीक उसके पहले अतीक अहमद के बेटे और उसके साथी को मारा गया। इसकी भविष्यवाणी की गई थी कि मारा जाएगा, टेलीविज़न चैनल पर पूछा जा रहा था कि एक दिन में मारा जाएगा, दो दिन में मारा जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी हुई एक साध्वी कह रही थी कि अतीक का बेटा तो झांकी है, अतीक अभी बाकी है। और दूसरे ही दिन अतीक मारा गया। तो अब तैयार किया जा रहा है पूरे मुल्क को, और ये मुल्क एक तरह से कातिलों का मुल्क बनता जा रहा है। इसमें कानून की कोई जगह नहीं है, इसमें किसी भी तरह की प्रक्रिया की कोई जगह नहीं है। और ख़ासकर हिंदुओं के एक बड़े हिस्से में खून की प्यास जगाई जा रही है, उनको खून की लत लगाई जा रही है। यह बहुत ख़तरनाक है। हम अपराधीकरण कर रहे हैं पूरे हिंदू समाज का, एक रेडिकलाइजेशन हो रहा है, ये बहुत ख़तरनाक है। पर सर, कई भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं, उनके ट्वीट आते हैं के बाद एक, वो कहते हैं कर्मों का फल है जो इसी दुनिया में उन्हें भुगतना पड़ेगा, उसके कर्म ऐसे थे, कर्म के आधार पर जो है उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है। उससे भी जाहिर है ना, जब सरकार यह कहती है कि उसका कोई हाथ नहीं है इसमें, तो मेरा यह कहना है कि हम सिर्फ घटना तक नहीं देखते हैं, घटना के पहले सरकार यानी उसके मंत्रियों का, पूरी सरकार का क्या रुख था, जिसको एनकाउंटर की हत्या कहा जाता है, उसके पहले क्या कहा गया था, उसके बाद क्या कहा गया, उसके बाद शाबाशी दी गई पुलिस को। किसी भी एनकाउंटर के बाद शाबाशी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर एनकाउंटर हुआ है वास्तविक, तो वो एक बहुत तकलीफदेह चीज़ है, है ना। उसकी खुशी मनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिस तरह से खुशी मनाई जा रही है उससे ही मालूम है कि यह घटना वह नहीं है जो बतलाई जा रही है। उस खुशी से जाहिर है कि यह घटना कुछ और है। पर सर, जिस तरह से वो जो हमलावर थे उन्होंने JSR का नारा लगाया, और बाकी जो घटनाएं हुई हैं देश भर में, लिंचिंग के टाइम पर भी इस तरह के नारे सुनने को मिले हैं, तो क्या किस तरह से देखते हैं, क्या ये कम्युनलाइज करने की कोशिश की गई कि वो मुस्लिम है? कम्युनलाइज नहीं, इसका मतलब ये है कि अब लफंगों को और कातिलों को इस बात का एक भरोसा है कि जय श्री राम उनका कवच बन सकता है। ये पिछले 8 वर्षों में हुआ है कि जय श्री राम एक कवच बन सकता है, अपराध के लिए एक कवच। उनके समर्थन में लोग आ जाएंगे। हाँ, सवाल, योगी आदित्यनाथ जी का स्टेटमेंट इससे पहले आ जाता है जब वो अपराधियों को मिट्टी में मिलाने की बात करते हैं, तो उन वही मैं कह रहा हूँ कि मैं वही कह रहा हूँ, एनकाउंटर तक नहीं, एनकाउंटर के पहले क्या हो रहा है, एनकाउंटर के बाद क्या हो रहा है, उससे एनकाउंटर का अर्थ समझ में आता है। अगर उसके पहले कहा जाता है माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा, माफिया भी डॉग विसल है, मिट्टी में मिला दूंगा भी डॉग विसल है, उसके पहले बुलडोज़र चलते रहे हैं उत्तर प्रदेश में,
बुलडोज़र चला दूंगा भी डॉग विसल है, तो वो कह सकते हैं मैंने तो माफिया कहा था, मैंने तो मिट्टी में मिला दूंगा कहा था, जो कि एक मुहावरा है, लेकिन हर कोई जानता है उसका मतलब क्या है। पर ये जीरो टॉलरेंस की जो बात कही जा रही है उत्तर प्रदेश, किस चीज़ को लेकर जीरो टॉलरेंस? दरअसल पुलिस का काम है अगर कोई अपराध है तो अपराधी को पहले पकड़ना, साक्ष्य इकट्ठा करना, अदालत में साबित करना अपने साक्ष्यों को, और फिर अदालत का काम है सज़ा तय करना, यह पुलिस का काम नहीं है। तो ज़ीरो टॉलरेंस किस चीज़ को लेकर है? यहाँ तो हमें यह दिखलाई पड़ रहा है कि अगर एनकाउंटर हो रहा है इसका मतलब पुलिस बिल्कुल नाकाम है, वो ना तो साक्ष्य इकट्ठा कर सकती है, ना अदालत में मुकदमा चलवा सकती है, इसलिए वो मौके पर ही निपटारा कर रही है। पर सर इसका एक दूसरा पार्ट ये भी है कि बहुत सारे लोग इसके समर्थन मारे, मतलब इस तरह की कार्रवाई यह पूरी दुनिया में देखा गया है कि लोग इंस्टेंट जस्टिस से खुश होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उचित है। लोगों के सामने अगर आप चौराहे पर फांसी देंगे भीड़ लग जाएगी, तालियां बजाएंगे लोग, इसका मतलब ये नहीं कि आप चौराहे पर कल फांसी देने लगे। तो लोग खुश हैं यह अपने आप में कोई दलील नहीं है कि यह चीज़ ठीक है। चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो प्रोफेसर अपूर्वानंद जी थे और जिस तरह से जो घटना इलाहाबाद में हुई है उस पूरी घटना को लेकर बातचीत कर रहे थे, आपको इसको लेकर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।